ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्त जनों, साईं बाबा के बच्चों, आज श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 45 का अध्ययन होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर बाबा के चरणों में प्रार्थना करें कि अध्याय हम सब के चित्त में उतरे। आइए शुरू करते हैं अध्याय 45, संदेह निवारण। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न, बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। प्रस्तावना। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उनकी घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पहले की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा की भक्ति। समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ। यदि पूजन या ध्यानादि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, इहलौकिक तथा पारलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद्वस्तु यानी परमात्मा हैं। और यह रहस्योद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाला मूल मंत्र है कि इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह है कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। काका साहेब का संदेह
तथा आनंद राव का स्वप्न। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ यानी पहला श्रीमद् भागवत और दूसरा भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी बंबई में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे यानी श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अर्विहोत्र द्रुमिल चमस और करभाजन का वर्णन है। उन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिपलायन ने पार ब्रह्म के स्वरूप, अर्विहोत्र ने कर्म के स्वरूप, द्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरुचरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधव राव को यह निराशावादी धारणा अच्छी ना लगी। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप भी हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है? परंतु फिर भी माधव राव के वचनों से काका साहेब का समाधान ना हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंद राव पखाड़े था, माधव राव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पखाड़े भी माधव राव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधव राव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधव राव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधव राव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पखाड़े को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूँ। पानी मेरी कमर तक है।
और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कहेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंद राव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया, मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं, मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण भार निकाली ना। बाबा ने तुरंत चरण भार निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पखाड़े धोती लाए और काका साहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियाँ निकाल कर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहेब का यह नियम था, जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की दो पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंद राव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहेब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरंश पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता यानी गुरु ही सच्चा पिता सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों ना कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वाध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता चार हाथ लंबा और एक बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर चार मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में हो चुका है। एक समय बाबा उस पटिए की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूँ। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है। जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकते हैं। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भागवत जाप बंद ना हो जाए,
और यदि मुझे थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता, वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रामग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है। और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है, जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ अपर्णमस्तु, शुभम भवतु, ओम साईराम।